बच्चों, आज हम लोग सर समीका के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ उसका सत्यापन भी करेंगे, है ना? चलो और करते हैं। ये देखो, ये एक सर्व समीकरण है। इसको पढ़ते हैं। ए धन बी का वर्ग बराबर ए का वर्ग धन 2 AB धन बी का वर्ग, है ना? ये सर्व समीकरण है। सर्व समीकरण मतलब इसमें हम ए और बी, जो कि इसमें चर हैं, ए और बी चर हैं, ए और बी का हम कोई भी मान रखें तो ये बायां पक्ष और ये दायां पक्ष दोनों का मान बराबर आता है। यानी कि हम ए बराबर कुछ भी ले लें और बी बराबर कुछ भी ले लें, तो हम यहाँ जो रखेंगे तो संख्या, जो संख्या आएगी वही संख्या यहाँ पे ए और बी का मान रखने पर आएगी। चलो इसको करके देखते हैं कैसे आती है। ये देखो, हमने हम समीका को लिख रहे हैं। ए धन बी का वर्ग बराबर ए का वर्ग धन 2 AB धन बी का वर्ग। अब ए का हम कोई मान लेते हैं, चलो ए बराबर हम ले लेते हैं 2, है ना? और बी बराबर ले लेते हैं 3, ठीक है? अब ए और बी जो कि चर हैं इसमें, इसका मान हम इस पूरी सर समीका में रखते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। ए की जगह पे 2 रखते हैं और बी की जगह पे हम 3 रखते हैं। ये हो गया 2 धन 3, और इसका वर्ग लगा दिया हमने, बराबर ए का वर्ग यानी 2 का वर्ग, और 2 तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है, तो यानी 2 गुणे ए की जगह पे हम 2 रखेंगे और बी की जगह पे हम 3 रखेंगे। ये 3 आ गया और धन बी हमारा 3 है, ये हुआ 3 का वर्ग। ठीक, अब इसको हल करते हैं। 2 और 3 मिला कितना हुआ? 5। ये हो गया 5 का वर्ग बराबर 2 का वर्ग बराबर 4, और यहाँ पे हम गुणा करते हैं, 2 गुणे 2 4, 4 गुणे 3 कितना हुआ? 12। और 3 का वर्ग यानी 3 गुणे 3 कितना हुआ? 9। अब एक बार इसको फिर से हल करते हैं। 5 का वर्ग यानी कि 5 गुणे 5, 25, ये कितना हुआ? ये हुआ 25। अब इधर देखते हैं इधर क्या आता है। 12 में हम 4 को जोड़ते हैं, कितना हुआ? 16। ये 16 हो गया, और 16 में हम 9 जोड़े कितना होगा? 16 और 9 25। तो तुमने देखा इधर भी 25 आ रहा है, इधर भी 25 आ रहा है, यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर आ रहा है। ठीक इसी तरह अगर हम लोग यहाँ पे ए और बी के मान बदल दें, यानी कि ए की जगह 4 ले लें, बी की जगह 6 ले लें, 5 ले लें, कुछ भी ले लें, तुम देखोगे तुम इसमें ए और बी का कोई भी मान लो तो दायां पक्ष और बायां पक्ष हमेशा बराबर आते हैं। ये एक सरल समीकरण है ना? इसकी परिभाषा देखो हम किस तरह दे सकते हैं। एक समानता सूचक बीजी कथन जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है सर्व समीकरण कहलाता है। अब हम इसका सत्यापन करेंगे। किसका सत्यापन करेंगे? जो हमने सर्व समीकरण के बारे में अभी जाना था उसका सत्यापन करेंगे। उसका सत्यापन करने के लिए सबसे पहले देखो हमारे पास एक वर्ग है। इस चित्र में क्या है? एक वर्ग बना हुआ है, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, इस वर्ग का नाम रख देते हैं। चलो इसको हम दूसरे रंग से रखते हैं, इसका नाम रखते हैं, इसका नाम हो गया ए बी सी और ये डी। ये हो गया। अब इसमें हम थोड़ी दूरी पे एक निशान लगाते हैं। चलो ये हमने आधे इंच पे इस पे एक निशान लगा दिया। चलो आधे से ज्यादा लिया है ना, ठीक है? और वही यहां पे लगा देते हैं और इसको इसको हम मिला देते हैं। देखो इसको से मिला रहे हैं, ये हमने मिला दिया, ठीक है ना? अब ठीक यही नाप जो इसकी नाप है, इसी नाप से हम यहां निशान लगाते हैं और इसको भी ऐसे हम मिला देते हैं, ठीक। अब इसकी इतनी भुजा, यहां पे हम नाम रख देते हैं, ए बी सी डी था तो हम यहां पे लिख देते हैं, ये ई हो गया और ये हो गया हमारा एफ, ये हो गया जी, ये हो गया एच और ये बिंदु हो गया आई, ठीक।
अब इसमें इस वर्ग में जो हमारी भुजा, पहले ये वर्ग हमारा ए बी सी डी था, तो इसकी भुजा थी ए बी। अब हमने इस, चूंकि इसमें दो बिंदु ले, एक बिंदु ले लिया है, तो ये एक भुजा ए ई, इसको मान लेते हैं हम, भुजा ए ई कितनी है, ए लंबाई की है, ठीक। और ये भुजा बी ई, बी लंबाई की है, ये ए लंबाई की है तो ये भी ए लंबाई की होगी, और ये ई बी और जी सी बराबर है, ये बी हो गई, ये एच डी हमारी बी हो गई, सी एफ हमारी ए हो गई, और ई आई भी ए हो गई, बी एच भी ए हो गई, और आई एच बी हो गई, ये भी बी हो गई, ये भी बी हो गई, ठीक। अब हम इसमें क्या करते हैं, हम देख रहे हैं इस चित्र में हमारे पास एक वर्ग है ए ई आई जी, ये एक वर्ग है, और एक हमारे पास आयत है जी सी एफ आई, और एक और छोटा वर्ग है आई एच डी एफ, एक वर्ग ये है, और एक और आयत है ई बी एच आई, यानी कि दो वर्ग हैं और दो आयत है हमारे पास। अब हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। सबसे पहले हम वर्ग ए ई जी आई का क्षेत्रफल निकालते हैं, इसको ऐसे लिखें, वर्ग ए ई जी आई का क्षेत्रफल लिख दिया हमने। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा गुणे भुजा, इसमें हमारी भुजा क्या है ए, दूसरी भुजा भी क्या है ए, यानी ये हो गया ए गुणे ए, यानी कि क्या हो गया ये बराबर ए का वर्ग, ठीक। अब इसके बाद हम दूसरे आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं, कौन से आयत का, जी सी एफ आई, ये आयत हम ऐसे बनाते हैं, ये देखो जी सी एफ आई का क्षेत्रफल, ये देखो मैं लिख दिया। अब इस आयत में हमारी जो भुजा जी आई है, इसकी लंबाई क्या होगी, इसकी लंबाई होगी ए, है ना, और जो भुजा जी सी है वो होगी बी। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई है ए और चौड़ाई है बी, यानी कि ये हुआ ए गुणे बी बराबर ए बी, ठीक। अब इसके बाद हम, हमने इसका क्षेत्रफल निकाल लिया, इसका क्षेत्रफल निकाल लिया, अब हमारे पास एक वर्ग है, चलो इस आयत का निकालते हैं, ये आयत है ई बी एच आई, इसका निकालते हैं, आयत ई बी एच आई का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल छोटा छोटा लिख देते हैं, चलो, है ना, बराबर कितना होगा इस आयत का, इस आयत की लंबाई है ए और चौड़ाई है बी, ठीक, बराबर हुआ ए गुणे बी बराबर ए बी, ठीक। अब क्या बचा, इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, अब छोटा सा वर्ग बचा है, इस वर्ग का नाम क्या है, एच डी एफ आई, हम यहां बनाते हैं वर्ग, वर्ग एच डी एफ आई का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हम छोटा सा लिख देते हैं, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसकी भुजा, चूंकि ये वर्ग है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी, चारों भुजाएं बी हैं, भुजा का वर्ग होता है यानी बी गुणे बी, यानी कितना हुआ बी का वर्ग। इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, जो हमारा पूरा वर्ग था ए बी सी डी, ये पूरा ए बी सी डी, इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, एक बार निकालें, वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल, जो पूरा पूरा बड़ा सा वर्ग था हमारा, उसका क्षेत्रफल, तो इसकी भुजा क्या हो गई, भुजा ए बी क्या है, ए धन बी, है ना, वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र भुजा गुणे भुजा, एक भुजा इसकी हुई ए धन बी गुणे दूसरी भुजा क्या हुई,
ये ए हुई और इतनी बी, यानी ये भी हमारी ए धन बी हो गई, है ना। वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल होगा ए धन बी गुणे ए धन बी, बराबर कितना हुआ ए धन बी का वर्ग। ठीक, अब हम इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल और इन चारों हिस्सों का, यानी दो आयत और दो वर्ग के क्षेत्रफल में वो तुलना करते हैं, देखें क्या आता है। इसके लिए क्या करते हैं हम, इस वर्ग का, इस आयत का, इस आयत का और इस वर्ग का चारों क्षेत्रफल हम जोड़ देते हैं। पहले इसका था ए का वर्ग, दूसरे का है ए बी, तीसरे का भी है ए बी और चौथे का बी का वर्ग। ये हो गया दो वर्ग और दो आयत का क्षेत्रफल। अब इसको हम जोड़ते हैं, देखें क्या आता है। ए का वर्ग तो जुड़ेगा नहीं क्योंकि ये अलग टाइप, अलग संख्या है। ए बी और ए बी जुड़ जाएंगे आपस में, एक ए बी एक ए बी मिलके हो जाएंगे दो ए बी। और ये हो जाएगा बी का वर्ग। इस तरह हमने देखा इस पूरे वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल होता है ए धन बी का स्क्वायर, जिसको हम चार हिस्से में अगर तोड़ देते हैं अलग अलग करके, उसके बाद भी हमको इसके क्षेत्रफल में जो मिलता है वो होता है ए का वर्ग धन दो ए बी और धन बी का वर्ग, यानी ये इसके बराबर आता है। हम लिख सकते हैं ए का वर्ग धन दो ए बी धन बी का वर्ग बराबर ए धन बी का वर्ग, ये और ये बराबर है। तो हमको क्या मिला, ये जो हमारी पहले सर्वसमिका थी हमको मिली, है ना। इस तरह से हम कह सकते हैं हमने सर्वसमिका का सत्यापन किया, कैसे, प्रायोगिक तरीके से। ये सर्वसमिका है दो पदों के योग का वर्ग, दो पदों के योग का वर्ग, उन पदों के वर्गों के योगफल में उन्हीं पदों के गुणनफल के दोगुने को जोड़ने से प्राप्त होता है। इसमें देखो ये दुगना है और ये दो पद का वर्ग है, है ना, और उसके दोनों पदों के वर्ग में हम उसका दोनों पदों के गुणनफल के दुगने को जोड़ देते हैं तो हमको क्या मिलता है, दो पदों के योग का वर्ग मिलता है। ठीक, तो इस तरह से बच्चों आज हम लोगों ने सर्वसमिका का सत्यापन जाना कैसे करते हैं, है ना। अब अगली बार जब हम लोग मिलेंगे तो किसी और सर्वसमिका के सत्यापन को सीखेंगे।